मिठाई ले लिए, पर आपको ये नहीं बताएंगे भाई कौन सी मिठाई ली है, क्योंकि भाई दोस्तों भाई ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अगेन वेस्ट बंगाल। भाई साहब फिलहाल हम खड़े हैं किशनगंज में, पूर्णिया भाई अपने ड्रॉप कर दिया है, मतलब आगे आ चुके हैं। व्लॉगिंग नहीं की थी यार क्योंकि मन थोड़ा उदास हो गया था, समझ सकते हो यार, बेटी से लगाव हो गया था, तो भाई आप आगे आ चुके थे। तो भाई अपने अगेन अपना सफरनामा शुरू किया है सुबह मॉर्निंग में। अब भाई किशनगंज में फिलहाल हार्डली यहाँ से बस 4-5 किलोमीटर ही है, यहाँ पर रुके थे यार, यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो ढाबा है सामने, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, यहाँ पे भी अपना शाम का बढ़िया स्टे हो गया था। और भाई आगे ना पर रेडी हो चुके हैं भाई, जैकेट पहन लिया, हल्की हल्की ओस पड़ रही है यार भाई, तबीयत खराब हो जाएगी, सेफ्टी फर्स्ट है ना। तो भी अपने अपने का आगे सफरनामा जारी करेंगे, तो बने रहो ब्लॉग में। और आपको एक बात बता दूँ, जब आप पूर्णिया से निकलते हो ना तो बिहार वेस्ट बंगाल, बिहार वेस्ट बंगाल ये भाई आएगा। तो अभी भाई आगे फिर बिहार लग जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर बिहार आएगा, फिर अपना वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर आज आपको लोग एंड तक सिलीगुड़ी में। दोस्तों यार एक घंटे की राइड करने के बाद भाई आप रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, पानी पीने के लिए। तो भाई देखो पूरा भीग चुके हैं, आप पता क्यों भीग चुके हैं, मेरा जैकेट देखो यार पूरी गीली हो गई भाई पसीने के कारण, क्योंकि भाई पता है आपको यार ठंड लग रही थी, अपने जैकेट डाल ली थी, फिर यार गर्मी होने शुरू हो गई। और भाई फिलहाल आप खा रहे हैं उर्मे, ये भाई किसी भाई ने हमको दिया था रास्ते में। खा रहे हैं बढ़िया है, मजा आ रहे हैं सफर में। पूरे भीग गए यार, तो निकलेंगे आगे सफरनामे। सो दोस्तों भाई ये अपना आ गया रेलवे स्टेशन किशनगंज, और भाई इसको आप धीरे धीरे अपना क्रॉस करेंगे, सफरनामा अपना आगे की तरफ जारी रखेंगे। ये देखो भाई अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और भाई आप फिलहाल किशनगंज की सड़कों पे घूम रहे हैं। और भाई अपना किशनगंज फेमस है लोहर शिव टेम्पल के लिए, गौरी मंदिर है भाई यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से, ओल्ड श्राइन मंदिर से। तो भाई इतना कुछ भाई मेरे को नॉलेज मिली है। और लोग बताते हैं भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाना की खेती होती है, मतलब बनाना। अपने सफरनामा अपने आगे स्टार्ट किया था, मुश्किल से आप 15 या 20 किलोमीटर आए यार। तो भाई मेरे को खुशबू देने लग गई यार, खुशबू आने लग गई किस चीज़ की, चाय के बगानों की यार। और भाई हम सिलीगुड़ी पहुँचे भी नहीं अभी तक, और यार ये बगान देखो यार चाय के, हाय बस उसकी महक पता यार आगे तक आ रही है, मैं किसी की महक आ रही है। तो भाई मैंने देखा यहाँ पे दूर दूर तक चाय के बगान दिखने अपने को शुरू हो गए हैं। हाँ 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 खुशबू भाई एक नंबर की आ रही है, ये देखो दिख रहे हैं ना भाई आपको ये। तो दोस्तों यार मैंने आपको यार चाय के बगान तो दिखा दिए थे भाई, पर वो भाई वहाँ से बहुत दूर से दिख रहे थे, आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा हुआ। चलो आपको दिखाता हूँ बिल्कुल पास से के पत्ते होते कैसे हैं भाई, सामने आप देख रहे हो ना भाई साहब पूरे चाय के बगान हैं, और दिखाते हैं आपको भाई देख रहे हो यार पूरा भाई चाय का बगान ही बगान है भाई, इसकी खुशबू ना भाई साहब बिल्कुल लाजवाब खुशबू है यार, एक नंबर भाई खुशबू, बिल्कुल मजा आ गया सुनकर यार, वाओ चाय के बगान बिल्कुल पास से देखो भाई कुछ ऐसे होते हैं। अभी भाई इसमें इतनी खुशबू नहीं आ रही है क्योंकि भाई अभी ये बिल्कुल फ्रेश है ना, देखो
कितनी साइन मार रहे हैं ना। अभी धीरे धीरे ये लाल पत्ते होंगे क्योंकि हर ब्रीड अलग अलग होती है चायों की। फिर सूखेगी ये, फिर ये आगे अपने फैक्ट्री में जाती है। ये देखो भाई यहाँ पर फिलहाल आप फिलहाल बगान में खड़े हैं। आप फिलहाल चाय के भाई दोस्तों बगान में खड़े हैं दोस्तों। बिल्कुल एक तरफा मजा आ रहा है यार। चलो बाहर निकलना सही रहेगा क्योंकि भाई तो ऑनर आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चलो फिर निकलते हैं आप। आ गए दोस्तों हर रोड पे, चाय का बगान देख लिया अपने। ये देखो बिल्कुल मजे ही मजे। अभी तक दोस्तों असम शुरू भी नहीं हुआ है और अपने को चाय के बगान देखने मिल गए हैं। हाँ 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 दोस्तों यार, अलग ही हवा में बिल्कुल फ्रेशनेस सी है, खुशबू भाई एक नंबर आ रही है, बिल्कुल लाजवाब मजा सा आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे पाइनएप्पल भी है, दिखाएंगे आपको अगर मिले तो। भाई अपना सिलीगुड़ी भैया आप मुश्किल से पहुंचने वाले थे तुमको यार, ये भैया मिल गए हैं। पहले भैया से मिलो आप लोग। ये भैया है और भैया देखो क्या दिया है खाने के लिए, स्नैक्स दिए भाई और ब्रेड दिया है। तो भैया थैंक यू सो मच आपको यार, धन्यवाद आपको। ये मैं बहुत खुशी हुआ। और एक हमारे एक भैया, हेलो भैया कैसे हो? मिलेंगे। क्या कह रहे थे भैया आप? ड्राइवरी करते हैं। हाँ आप क्या कह रहे थे? मैं भी ड्राइवरी करता हूं। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने हमको यार इतना गिफ्ट दे दिया है। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। ओके बाय बाय बाय। तो दोस्तों भाई सिलीगुड़ी रे क्या है शहर के अंदर भाई अपन एंट्री कर लिए और भाई घूम रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में। और क्या मजे आ रहे हैं, सफरनामा बढ़ रहा है अपन आगे की तरफ। और क्या अभी भाई अपनी लोकेशन रह चुकी है ओनली फॉर ओनली 5 किलोमीटर की। तो पहुँचते हैं फिर दिखाएंगे आपको, तो बने रहो ब्लॉग में। आप राइड अपनी में जा ही रहे थे, अपने को भैया मिल गए थे, भैया को आपसे बाद में मिलाऊंगा। तो मैंने पहले अभी बात ये देखा यार मेमोरीज, तो यार सभी लोगों ने अपने अपने स्टिकर लगा रखे हैं भाई, अपने पास अपने स्टिकर है नहीं भाई, अपने बनवाए नहीं थे। तो भैया हमारे लिए मार्कर लेके आए थे भाई, तो मैंने भैया का भैया मार्कर लेके आना घर से। तो चलो आप अभी अपना नाम लिखते हैं चैनल का कि हमारी मेमोरीज बन जाएगी। आप यहाँ पे आए थे यार, फिर तो याद रहेगा जब भी आएंगे ढाबे पे। पहली बार लिख रहे हैं, लिख दिया भाई कैसा लग रहा है बताना जरूर, ठीक है? तो भाई यार अच्छा लग रहा है कि भाई मेमोरीज में अपना नाम भी शामिल हो गया है ट्रिप में। तो भाई ठीक है, आपको मिलाते हैं भैया से। भैया देखो यार, ये वो हमारे भैया यार जो हमको रास्ते मिले थे, पता है दोस्तों हम अपनी राइड में जा ही रहे थे, भैया ने यार हमारा बोर्ड देख लिया साइकिल का, भैया ने पहले हमको ओवरटेक किया, फिर भैया पीछे गए, फिर भैया ने हमारी वीडियो बनानी स्टार्ट की। तो ये भैया और ये मार्कर ने जो ये नाम लिखा गया है सब भैया की देन है यार। थैंक यू सो मच भैया आपको, देख सकता मैंने यार बातें की चाय पिलाई। तो दोस्तों यार सिलीगुड़ी भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं यार, बहुत मुश्किल से पहुंचे यार, जाम देखो पहले तो आप यार। और भाई मिठाई की दुकान बहुत मुश्किल से मिली है, वही दुकान मिल गई अपने को माखन भोग जो अपने को पूर्णिया मिली थी भाई। और भाई साहब ने अमित भाई ने बताया था कि वहाँ पर फ्रेंचाइजी है, तो भाई वही मिलेगी यार सामने मुश्किल से भाई, यहाँ पे 500 मीटर पे दीदी का घर है। तो भाई आप आए हैं कुछ स्वीट लेने, कोट डाली है अभी पसीने आ रहे हैं, साइकिल मैंने पहुँच चुकी है यार। और ये सामने भी अपने माखन भोग यार देखो, अभी आप आ जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए सामान लेंगे, तो आ जाओ सारे। तो दोस्तों यार जैसा कि दिखाया है भैया आप माखन भोग में आ गए थे, तो भैया आपने मिठाई ले ली है, पर आपको ये नहीं बताएंगे भाई कौन सी मिठाई ली है, क्योंकि भाई ये एक सरप्राइज होना चाहिए ना, अगर बता दिया तो भाई पूरा मजा खराब हो जाएगा। ये कुछ सौंप भाई की देखो यार, कल दिखाते हैं आपको ये सभी मिठाई लगी हुई है भाई, देखो लाइन। और ये दुकान है कुछ ऐसी यार,
और ये है भाई हमारे शॉप के ओनर। हेलो भैया, कैसे हो आप? ये भैया माखन भोग है, बड़ी मुश्किल से भैया आपको दुकान मिली तुमको ये, और आके भैया मजा आ गया भैया। थैंक यू फॉर डिस्काउंट भैया, आपने हमको डिस्काउंट दिया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भाई अगर कोई सिलीगुड़ी से भाई ब्लॉग देख रहा है, भाई आप तो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भाई आप लोकेशन पे आ चुके हैं, और चाहे ये बिल्डिंग लग रही है भाई, चाहे ये वाली बिल्डिंग लग रही है, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, एक गली है, देखो यार जा आगे बोले। सरप्राइज दे दी। तो क्या सोचा मैंने सारा फिर।